मेन्यू, जब ये इंसर्ट मेन्यू है या हम निकालना है, इसमें आप देखें सबसे पहले ये ऑप्शन है टेबल का है, तो टेबल से क्या होता है, इसमें आप यहाँ पे लिख लें नेम, यहाँ पे आप लिख लें फी इनकी, या आपने इस तरह बॉक्स बना लेना है, लिख लिया हमने। अब क्या है, इसकी अलाइनमेंट करें हम, यहाँ पे जाके इसकी अलाइनमेंट कर लें, बोल्ड कर लिया इसको, और इधर से हमने टाइम न्यू रोमन करना है, आपको पता है टाइम न्यू रोमन, ठीक है। साथ ही हम इसको बॉक्स लगा लेते हैं, इधर से बॉक्स लगाने, ठीक है, बना नहीं लगा। यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आप चले गए टेबल पे, हमने क्लिक करना है, देखना टेबल पे ही हमने क्लिक किया और ओके कर दिया, तो इसके साथ इसका पैटर्न खुद ब खुद ये बन चुका है। अगर यहाँ से आप इस पैटर्न को चेंज करना चाहते हैं, देखे जी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न आ चुके हैं, कोई भी पैटर्न इनमें से जिसके ऊपर आप लेके जाओगे वो पैटर्न इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। देखिए इस तरह करके सिलेक्शन की खत्म हो गई, ये फिल्टर के साथ फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, जो सारा कार्ड आपको नहीं चाहिए उसको चेक करते हैं, वो वहाँ से खत्म हो जाएगा उसको मुकम्मल। जैसा टेबल, टेबल के रिलेटेड आगे इंसर्ट में क्या है हमारे पास, आगे क्लिप पार्ट्स, ये मसवर्ड है, दो एक्सेल दोनों में होता है, जिसमें आप कोई भी अपने रिलेटेड जो आपको चाहिए फॉर्मेट अगर यहाँ से हमें आसानी से मिले, ये इसकी वेबसाइट है, इसमें वो ऑप्शन नहीं है कि जहाँ से निकलता होता है टेबल फॉर्मेट। उसके बाद आप स्नैप पे चले जाएं, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की शेप्स हैं जो आपको जो से चाहिए, जैसे हम टाइटल वगैरह लगाने के लिए अक्सर इस तरह की शेप इस्तेमाल करते हैं टाइटल के लिए, देखें। साथ ही कलर, इसका रंग जो सा आप करना चाहो, जो मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल हैं जो सा आप अप्लाई करवाना चाहो स्टाइल आप अप्लाई करवा सकते हो। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ स्टाइल है, मसलन कि आप चले जाएँ यहाँ पे फॉर्मेट में चले जाएँ, यहाँ से आप इसका कलर, कलर स्कीम जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइड बनानी है, ये देखिए कलर ग्रेडियंस, ये वाला पैटर्न फिल करना है तो ये पैटर्न इसका स्टाइल जिसमें हम फिल करना चाहते हैं, देखिए वो स्टाइल इसमें फिल हो चुका है। अच्छा, इसके बाद इंसर्ट में आप चले जाएं, यहाँ पे और क्या चीज़ है, अच्छा स्क्रीन से अगर आपको तस्वीर वगैरह लेना चाहते हैं उसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक किया, वो मिनिमाइज हो गया, जितनी स्क्रीन आप लेना चाहते हैं उतनी स्क्रीन का जो प्रिंट लेना है, देखिए वो स्क्रीन हमारे सामने आ गई। इसको छोटा करना है, शिफ्ट को होल्ड करके साइडों से एक जैसा इसको छोटा कर सकते हो आइकन को, तो साथ ही ये हमारे सामने इसका पिक्चर फॉर्मेट निकला है, क्लिक करें फॉर्मेट इसको हम चेंज कर सकते हैं, इस तरह का भी फॉर्मेट हम लगाना चाहिए, कौन सा हमें अच्छा लगेगा वो हम लगा देंगे। देखिए ये पिक्चर फॉर्मेट, ये पिक्चर फॉर्मेट इधर अप्लाई हो चुका है, ठीक है जी। और इस पर क्लिक करें, देखो इसके रिलेटेड और बहुत से ऑप्शन निकलते हैं, लेकिन अभी हमने इतना ही करना है। इंसर्ट में आगे हम जाते हैं कॉलम, कॉलम ड्रा करना, हम इसको ड्रा करें सेलेक्ट करके, देखो जो सा कॉलम लगाना है, जैसे हमारे पास लाइन, पाई, बार, एरिया और ये स्कैटर लिखा हुआ है, मुख्तलिफ किस्म के और मुख्तलिफ किस्म के चाहिए जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके सामने आते हैं। मोमेंट जो होता है लाइन ग्राफ इस्तेमाल होता है, इसमें आप देखें लाइन ग्राफ में, देखें लाइन ग्राफ आपके सामने आ गया है, इसको छोटा करें ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे, लाइन ग्राफ इधर आए, आपको बता रहे हैं सबसे ज़्यादा फीस मनीर दे रहा है, दूसरे नंबर पे नासर और इधर से अली है, यहाँ से भी चेक कर लें 600, जो ही आप इधर से इसको चेंज करोगे तो आपका ग्राफ भी चेंज हो जाएगा, देखना इधर ग्राफ भी टोटल ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, इसको डिलीट करना है, यहाँ पे जाकर सेलेक्ट करके डिलीट कर दें, आपका ग्राफ वो चेंज हो चुका है। ये मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स जो आपको चाहिए आप इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद हाइपरलिंक है, हाइपरलिंक होता है जैसे अली लिखा हो, अली के साथ कोई और फाइल आप अटैच करना चाहते हो, कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट है, या वरना आप इधर जाके क्लिक करें, जो सी फाइल इसके साथ लिंक करनी है उस फाइल को आप क्लिक करके ओके करें, वो फाइल इसके साथ लिंक हो गई, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो फाइल आप देखिएगा, वो फाइल आपके सामने ओपन हो चुकी है, यहाँ से फाइल को बंद कर दें, ऊपर वैसा वैसा नासर है, नासर के साथ कोई फाइल को अटैच करना है तो नासर वाली फाइल को साथ इसके अटैच कर दिया, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो फाइल आपके नासर की फाइल उसमें खुल जाएगी, ठीक है जी। इसको यहाँ से आप बंद कर सकते हो, वो टेक्स्ट बॉक्स लगाना है, ये मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न इधर आएंगे, वरना यहाँ पे सिर्फ आपको ये एक बता रहा है टेक्स्ट बॉक्स, इसको जिधर मर्जी लगाएं आप, इसकी डुप्लीकेट करो कंट्रोल डी से, इसकी डुप्लीकेट तैयार हो जाएगी, इसको इसके बराबर रखें, कंट्रोल डी करें अगला, फिर इसको नेक्स्ट, ये देखो इस तरह करके तैयार होते हैं, ये इसको पकड़ा, इसकी आप डुप्लीकेट हम तैयार कर रहे हैं, कंट्रोल डी हो गई, इसके बाद से कमेंगे इसके साथ रख दिया, फिर कंट्रोल डी करें,
तो ये कंट्रोल डी करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो बॉक्स बनते जाएंगे, जो बॉक्स हमारे सामने बन चुके हैं। उसके बाद वर्ड आर्ट में जाते हैं, वर्ड आर्ट में जाके आप कुछ भी यहाँ से लिखाई का स्टाइल जो सा आप लिखना चाहो उसमें आप लिख सकते हो। जैसे मैं लिख रहा हूँ अलमनीर स्टाइल, देखो बॉक्स लगाना है तो ये बॉक्स लगा सकते हो इसमें, जिस तरह का भी आप बॉक्स लगाना चाहो उसमें। और देखो साथ बॉक्स लाई हो रहा है, बॉक्स लग रहा है। अदर थिंग्स टाइटल और इसमें आ जाएगा, चेक करें लगा दिया हमने लिखाई का स्टाइल, इधर से जो सा आपने लगाने हैं वो इसमें लिखाई का स्टाइल आ जाएगा। ये टाइटल के लिए इसको आप पकड़े यहाँ से छोटा करके, ऐसे नहीं हो रहा, ये तो नीचे की तरफ चला गया है, कोई बात नहीं। इसका लिखाई का ये स्टाइल पहले अंदर से छोटा करना पड़ेगा, यहाँ से हम इसको छोटा करते हैं, आर्ट कर लिया है। अब इसको ऐसे ही शैडो से पकड़ के छोटा किया जाएगा, लिखा गया है। उसके बाद इक्वेशंस, जो मुख्तलिफ़ किस्म के इक्वेशंस होते हैं, सिंबल्स।